हेलो एवरीवन, सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहां पे जैना स्मॉल फाइनेंस बैंक का आप जीरो बैलेंस अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन और घर बैठे। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर लाते रहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि ये जो नॉलेज है वो लोगों को भी मिल पाए। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिरजू कुमार, आप देख रहे हैं टेक हिंदी विद बिरजू। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या फिर पीसी लैपटॉप जो भी यूज़ करते हो, आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है एंड गूगल में आपको टाइप करना है जैना स्मॉल फाइनेंस बैंक, देन आपको सर्च कर लेना है। एंड सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट में दिख जाएंगे जैना स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.jainabank.com, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करके इसके वेबसाइट में आ जाना है। देन यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका जो है कि इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है कि यहाँ पे आपको फर्स्ट में जो है कि डिस्प्ले पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है तो काफ़ी सारी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको इनरोल पे क्लिक करना है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको सेविंग्स अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे सेविंग्स अकाउंट पे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। जैना प्राइमर है और यहाँ पे लेजेंड सेविंग अकाउंट है, यहाँ पे सिलेक्ट सेविंग्स अकाउंट है, सिल्वर सिलेक्ट सेविंग्स अकाउंट है, यहाँ पे सेविंग प्लस अकाउंट है, यहाँ पे आपको इस वाले अकाउंट पे क्लिक करना है BSBDA का। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है कि दूसरे पेज में रिडायरेक्ट कर देंगे। तो अभी यहाँ पे आप नीचे आओगे स्क्रॉल डाउन करते हुए तो यहाँ पे इसका की बेनिफिट और इसका फीचर्स जो है कि देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इसका इंटरेस्ट रेट जो है कि आप यहाँ पे क्लिक करके इसका इंटरेस्ट रेट जो है कि देख सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये है इसका इंडुअल और यहाँ पे इंटरप्राइज भी देख सकते हो यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ से इसे बैक कर देता हूँ। देन बैक आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ इसका मंथली एवरेज बैलेंस की, तो मंथली एवरेज बैलेंस जो है कि यहाँ पे नील है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे नील है, यानी कि जीरो बैलेंस अकाउंट है। साथ ही साथ आपको इसमें डेबिट कार्ड भी दिया जाता है जो कि रुपए का क्लासिक डेबिट कार्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसे आप जो है कि ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो, विड्रॉल भी कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो। इसमें आपको मोबाइल बैंकिंग ऐप मिल जाते हैं यहाँ पे, जिसमें आप यहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र वगैरह जो है कि ईजिली कर सकते हो। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह जो है कि बताया गया है। अभी यहाँ पर आप जो है कि इसका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के लिए एक फॉर्म जो है कि यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा फॉर्म जो है कि अभी यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, तो मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अभी ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में आपको देना क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इंडुअल में आप यहाँ पे आधार कार्ड अपने प्रूफ के तौर पर दे सकते हो, या फिर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आधार इनरोलमेंट वाला जो पेपर है वो भी दे सकते हो, या फिर आप पेन कार्ड भी दे सकते हो। अगर आपके पास पेन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे फॉर्म 60 आप फिल करके अपना अकाउंट को यहाँ पे इजीली ओपन कर सकते हो यहाँ पे। तो इसका जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आप इसे रीड करके देख सकते हो यहाँ पे। और अभी मैं यहाँ से इसे बैक कर लेता हूँ यहाँ पे। बैक आने के बाद यहाँ पे इसका जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट था वो मैंने बता दिया है यहाँ पे। अभी आपको इसे ऑनलाइन किस तरह से ओपन करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो गया इसका ऑफलाइन प्रोसेस, जो कि ब्रांच में विजिट करके आप इसे ओपन कर सकते हो, या फिर आप जो है कि कॉन्टेक्ट के थ्रू आप यहाँ पर कॉल करके इसका अपॉइंटमेंट बुक करके भी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर इसका ऑनलाइन का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसे बैक ले कर चलता हूँ। बैक में आप ये देख सकते हो यहाँ पे फिक्स रिटर्न विथ, यहाँ पे आप देख सकते हो पीस माइंड इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग विथ वीडियो KYC। तो यहाँ पे ओपन माय अकाउंट पे क्लिक करके ओपन कर सकते हो यहाँ पे करेंट अकाउंट, और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे सेविंग्स अकाउंट। तो यहाँ पे आप जैसे ही स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे तो ये आपको जो है कि दूसरे पेज में रिडायरेक्ट कर देंगे।
और यहाँ पे आप जो है कि अपना अकाउंट को इजीली ओपन कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से ये हो गया इसका ऑनलाइन प्रोसेस, तो इसका भी डिटेल वगैरह यहाँ पे बताया गया होगा। और यहाँ पे आप इसे वीडियो केवाईसी के थ्रू ओपन कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे आपको बैक आना है, देन बैक आने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर में दिख रहा होगा यहाँ पे ओपन माय अकाउंट पे, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको जो है कि वीडियो केवाईसी वाले पेज में जो है कि रिडायरेक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ इसे रिडायरेक्ट होने का। तो अभी यहाँ पे जो मेरा पेज है वीडियो केवाईसी वाला, वो यहाँ पे एरर शो हो चुका है। तो अभी इसका जो वीडियो केवाईसी का प्रोसेस है यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है, बट पहले था ये, अभी जो है कि बंद कर दिया गया है। तो जैसे ही इसके बारे में कोई न्यू अपडेट आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अभी इसका प्रोसेस जो है कि आप ऑफलाइन के थ्रू ओपन कर सकते हो यहाँ पे, ऑनलाइन का प्रोसेस जो है कि यहाँ पे बंद कर दिया गया है। तो इस तरह से आप इसका अकाउंट को ऑनलाइन ओपन कर सकते हो और ऑफलाइन भी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो है कि जैना स्मॉल फाइनेंस बैंक का अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बता दिया है, तो यहाँ पे जैसे ही वीडियो केवाईसी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।